हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद शाहनवाज आलम, मैथमेटिक्स लेक्चरर, करीम सिटी कॉलेज, मानगो कैंपस। ये मेरा 9वां वीडियो लेक्चर है मैट्रिक्स अलजेब्रा के यूनिट में। आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है और कैसे इसे प्रॉब्लम्स में सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स पी ए आई जे, स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है, हमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेंगे ऑफ ऑर्डर एम इंटू एम, दोनों बराबर हैं एम इंटू एम। ए मैट्रिक्स पी ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम इंटू एम इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ पी डैश, पी डैश का मतलब ट्रांसपोज ऑफ पी इज इक्वल टू पी, मतलब कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वापस वो ओरिजिनल वाली मैट्रिक्स हमें मिल जानी चाहिए। दैट इज टी आर, टी आर फॉर ट्रांसपोज ऑफ पी इज इक्वल टू पी। एक एग्जाम्पल से देख के समझते हैं हम इसको कि लेट पी इज इक्वल टू, हमने कोई मैट्रिक्स लिया 2 3 3 5, इफ़ यू टेक द ट्रांसपोज ऑफ पी देन क्या देखते हैं हम ट्रांसपोज लेने से, ये रो वन कहाँ चला आएगा कॉलम वन में, ये रो टू कहाँ चला आएगा कॉलम टू में, मतलब नो चेंज विद द गिवन मैट्रिक्स। देखो इन दोनों मैट्रिक्स में कोई बदलाव नहीं है, इसका क्या अर्थ हो गया, पी डैश जो है वापस पी के बराबर है, पी डैश मैट्रिक्स बराबर है पी के, यही कंडीशन फुलफिल हो गया ऑफ द सिमेट्रिसिटी के लिए, तो पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पी क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पी हमारा यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नाउ कंसीडर द अनदर एग्जांपल, एक मैंने सेकंड एग्जांपल लिया है, ये एग्जांपल नंबर 2 कह देंगे इसको, 2 5 6 1 2 3 6 0 3, ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर में कुछ नहीं होगा, सेम ही रहेगा। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ पी वी गेट क्या हो रहा है, देखो पी डैश, तो ये रोवन जो है, रोवन जो था, ये जो रोवन है 2 5 6 कहाँ चलाएगा कॉलम वन में, रो टू कहाँ चलाएगा 1 2 3 कॉलम टू में, और रो थ्री कहाँ चलाएगा कॉलम थ्री में। देखो जब हमने ट्रांसपोज लिया इस मैट्रिक्स का तो 2 5 6 जो है कहाँ चलाएगा कॉलम वन में, 1 2 3 कहाँ चलाया कॉलम टू में, और 6 0 3 जो कॉलम थ्री रो थ्री में था वो कॉलम थ्री में चलाया। इसका भी ऑर्डर 3 × 3 का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि नो चेंज मैट्रिक्स में क्या हो गया, नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हो गया पी डैश, सॉरी यहाँ पर चेंज हो गया, नॉट नो चेंज, देर इज अ चेंज ओवर हियर, क्योंकि हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स अगर देखोगे आप कि जो था 2 5 6 पहले रो में है, और यहाँ पर दूसरे, यहाँ पर पी डैश में पहले रो में है 2 1 6, तो पी डैश तो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर तो नहीं है, पी डैश नॉट इक्वल टू पी, सो हेयर पी इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ पर पी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सपोज ए, अब हमने एक और एग्जांपल लिया 1 3 5 3 2 9 5 9 7, देन ए डैश क्या होगा, ये 1 3 5 कहाँ आएगा रो वन वाला कॉलम वन में, ये 3 2 9 कहाँ आएगा कॉलम टू में, और ये 5 9 7 कहाँ आएगा कॉलम थ्री में। ऑर्डर तो सेम ही है इसका, इसका भी ऑर्डर 3 × 3 का है, इसका भी ऑर्डर 3 × 3 का है, लेकिन यहाँ देखो 1 3 5 यहाँ 1 3 5, 3 2 9 यहाँ वैसी है, 5 9 7 यहाँ भी ऐसी है, कोई चेंज है इन दोनों मैट्रिक्स में, नो चेंज। तो ए डैश क्या हो गया, बराबर हो गया आपका ए मैट्रिक्स के बराबर में, सो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको क्या करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए, जो आपने रो वन में लिखा है वही कॉलम वन में लिख दो, जो आपने रो टू में लिखा है वही कॉलम टू में लिख दो, जो आपने रो थ्री में लिखा है वही कॉलम थ्री में लिख दो, तो दोनों मैट्रिक्स बराबर आ जाएगी। तो ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स हम तैयार कर सकते हैं, हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, सिमेट्रिक मतलब क्या, एक जैसा। नाउ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखते हैं। ए मैट्रिक्स क्यू इज इक्वल टू क्यू आई जे, ये इसके एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर एम इन टू एम, स्क्वायर मैट्रिक्स ही लिया मैंने, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, कंडीशन क्या है, क्यू डैश का ट्रांसपोज लेंगे
तो ये ओरिजिनल को वापस लाने के साथ साथ माइनस साइन को भी वापस लाएगा, क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू। देखते हैं इसको एग्जाम्पल से, इसको एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि लेट क्यू इज इक्वल टू हमारा एक मैट्रिक्स है 0 माइनस 2 0 माइनस 2 2 0। अब हमने क्यू डैश लिया, ट्रांसपोज लिया, तो ये 0 माइनस 2 यहाँ आ गया, 2 0 कहाँ आ गया, सेकंड कॉलम में। अब हम यहाँ से अगर माइनस को कॉमन लेंगे, 0 को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर। ये देखो ये मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ गई, तो Q डैश किसके बराबर आ गया, माइनस Q के। इसका मतलब क्या हो गया, Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एक बात याद रखेंगे हमेशा कि द डायगनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर ऑलवेज जीरो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि डायगनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस अदर देन जीरो आ जाए। इसको हम लोग इस तरह से समझेंगे, लेट ए कोई मैट्रिक्स माना, ये एड्रेस वाइज मैंने लिया है A11 A12 करके। ठीक है, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है डेफिनेशन, ए आई जे, एलिमेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ए आई जे बराबर होंगे माइनस ए जे आई के, क्योंकि ट्रांसपोज होने के बाद एलिमेंट्स क्या होते हैं, एड्रेस बदलते हैं माइनस टाइम से। ए आई जे बराबर होंगे, जो A12 पर होगा वो A21 पर चला आएगा ट्रांसपोज होने के बाद माइनस साइन के साथ, फॉर ऑल आई जे। तो फॉर डायगनल एलिमेंट्स के लिए हम लोग जानते हैं ना स्टूडेंट्स कि आई और जे क्या होता है, बराबर होता है डायगनल, इसी को बोलते हैं हम लोग लीडिंग डायगनल। ये हमारा लीडिंग डायगनल है, ये हमारा प्रिंसिपल डायगनल कहलाता है ना, ये प्रिंसिपल डायगनल है। यहाँ आई और जे बराबर, यहाँ आई और जे बराबर, यहाँ आई और जे बराबर, इस तरफ से नहीं होते डायगनल, है ना, ये नहीं सोचना आपको आई और जे बराबर। तो डायगनल एलिमेंट्स में क्या होता है, आई और जे बराबर होते हैं, तो हम कंडीशन में आई और जे को बराबर कर देंगे तो क्या होगा, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई, ये इधर आएगा तो 2 AII इज इक्वल टू 0, 2 खत्म हो जाएगा उधर जाके डिवाइड होके, तो AII इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई, फॉर ऑल आई। मतलब डायगनल एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट जीरो होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में, डायगनल एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट जीरो होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में। ठीक है, याद रहेगा। अब हम लोग याद एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है, लेट क्यू बी एनी मैट्रिक्स। कैसे तैयार करना है आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपको डायगनल पे जीरो पुट करना है। ठीक है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनाएंगे, 3x3 का बनाया, 2x2 का बना सकते हैं, 1x1 का बना सकते हैं, डायगनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो होगा। तो आप एड्रेस पर क्या रखना चाहते हैं, जो रखना चाहते हो रखो, A12 पर हमने 3 रख दिया तो इसका उल्टा क्या होगा, A21 साइन पलट देंगे माइनस 3, A13 पर अगर हमने मान लियो माइनस 1 रख दिया तो A31 पर हम प्लस 1 रख देंगे, अगर A23 पर मैंने 7 रख दिया तो A32 पर हम साइन पलट देंगे माइनस 7, और डायगनल पे तो जीरो होगा ही। तो इस तरह से आप तैयार कर लोगे, क्यू का ट्रांसपोज लेंगे तो आप क्या करोगे, ये 0 3 माइनस 1 यहाँ चला आएगा, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, माइनस साइन को बाहर लेंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस बाहर ले लेंगे तो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा, तो क्यू डैश किसके बराबर आ गया, माइनस क्यू के। सो क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझेंगे आप, इसको अच्छे से समझने के बाद खूब प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके प्रॉब्लम्स के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।